कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षक की हत्या के संबंध में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 12 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सी प्रताप रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी आरोपियों की पहचान हो गई है। रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी की गई है, बाकी लोगों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धारा 144 लागू होने के बावजूद मंगलवार की सुबह तुंग नगर क्षेत्र के कुछ वाहनों को आग लगा दी गई। रेड्डी ने कहा कि हर्षक की हत्या के बाद से शहर में तनाव का माहौल है। शिवमोगा में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है और स्थिति और ना बिगड़े इसके लिए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रतिबंध किए गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कासिफ, नदीम, आसिफ और रेहान के रूप में की गई है, जिनकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है। सूत्रों ने कहा कि इन आरोपियों की पृष्ठभूमि की पड़ताल की जा रही है। शहर के भारती नगर इलाके में रविवार की रात कार में आए कुछ अज्ञात लोगों ने हर्षा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता था। पुलिस को इसमें 7 लोगों के शामिल होने का शक है। वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री अर्गा ज्ञानेन्द्र ने बेंगलुरु में कहा कि हर्षा की हत्या के सिलसिले में 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पूछताछ जारी है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि तुंग नगर शहर में हिंसा और आगजनी की 14 अलग अलग वारदात हुई, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। वहीं रेड्डी ने कहा कि 3 मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जिन्होंने आगजनी और हिंसा में अपने वाहन और संपत्ति गंवाई।